नमस्कार दोस्तों, NPCIL जो आपकी ITI का पेपर होना है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। जनरल साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी रावत भाटा ज्ञान की राजस्थान साइट का पेपर है जिसमें हमने जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस पेपर की 20 क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करवा दिया है पार्ट वन में, आप उसे भी ज़रूर देखें। आज का हमारा पार्ट टू रहने वाला है जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपके पेपर का लेवल कैसा रहता है और NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी वैकेंसी आती है उसमें एग्जाम जो आपका सिलेबस है वो और एग्जाम पैटर्न सारा सेम रहता है। 3 नंबर का सही होने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग और प्री और मेंस करके 2 एग्जाम होते हैं, यानी कि सारा आकरा पार मान लीजिए आप, आपके जो नरोरा का है वो मान लीजिए या फिर राउत भाटा मान लीजिए, जितने भी आपके NPCIL के हैं वो सारी साइट वाले पेपर सेम करवाते हैं, तो आप पुराने पेपर को ज़रूर देखें। मेरे पास 7 से 8 पेपर हैं, उन सभी का लाइन वाइज मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा, एग्जाम में आपके छप जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने की आपसे उम्मीद करता हूँ। साथ ही हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट जरूर देखिए, ITI बेस्ड नॉन टेक आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवा रखा है राजस्थान रोडवेज और आज हम दूसरे पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जो किया है वो आपके जनरल साइंस पार्ट था और अब दूसरा पार्ट है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर और कुछ अपनी तरफ से बातें बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में यदि आई तो आप सही कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 जनरल अवेयरनेस आपको पता है 10 नंबर की होती है, मैथ और जनरल साइंस 20-20 नंबर की होती है, तो इसके भी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं ऊपर आप देख सकते हैं, 40वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आपकी 41 है, PM किसान योजना के तहत योग्य किसानों को रुपए की वार्षिक आय की सहायता मिलेगी। ये आपके उस टाइम का पेपर है यानी कि उस टाइम जब नई ये PM किसान योजना आई थी तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने आपके रुपए की योजना आपको मिलेगी या कितने रुपए की सहायता मिलेगी, तो आपको इसके बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है। पहले तो PM किसान योजना आपकी कब से शुरू हुई वो डेट याद कर लीजिए, 1 दिसंबर क्या है आपकी डेट, 1 दिसंबर 2018 ये डेट याद कर लीजिए। फिर आपसे पूछा गया है कि कितने हजार रुपये, तो 6000 रुपये वार्षिक यानी कि वर्ष में एक बार 6000 रुपये मिलेंगे एक साल में, या फिर ऐसे भी है कि 4 महीने में 2000 रुपये मिलेंगे तो 12 महीने में 6000 रुपये, तो टोटल कितने मिलेंगे ऐसा इन्होंने पूछा है, तो 6000 रुपये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस। अब देखिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे, मैं केवल हिंदी वाला पढ़ूंगा आसान होता है और मेरे लिए हिंदी ठीक है, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी में एक्सप्रेस करना भावों को व्यक्त करना आसान होता है। कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में नहीं है, तो देखिए देना बैंक और ये विजया बैंक है इन दोनों का विलय हो चुका है बड़ौदा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है आपकी इंडियन बैंक में, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी बैंक है जिसका अभी तक किसी में विलय नहीं हुआ है, तो विलय प्रक्रिया में कौन सी नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक आंसर है क्योंकि इन दोनों का आप देख लीजिए इसमें विलय हो चुका है और इसका विलय हो चुका है इंडियन बैंक में, तो आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्वेश्चन की कौन सी नदी अंत में अरब सागर में मिलती है, तो आपसे अब क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्वेश्चन भूगोल का क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बातें ध्यान रखनी है। देखिए अरब सागर में गिरने वाली 3 या 4 नदियों के नाम याद कर लीजिए, कौन कौन सी, पहली तो आपको ध्यान में रखनी है अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, 2-3 ही ध्यान रख लीजिए इंपोर्टेंट नर्मदा ताप्ती और एक आपकी है सिंधु नदी, ये गिरती है अरब सागर में, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि कौन कौन सी, नर्मदा ताप्ती और सिंधु, तो ताप्ती दे रखा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है इनके अकॉर्डिंग ताप्ती है। अब आपसे इस बार एग्जाम में नरोरा के एग्जाम में आ सकता है,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए पहली तो है आपकी गंगा, यमुना, गंगा यमुना, और फिर आपसे पूछी जा सकती है गोदावरी, गोदावरी, और कौन सी है? आप कहेंगे कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र। तो देखिए गोदावरी कावेरी कृष्णा देरखा ये सारी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, और ऑप्शन सी ताप्ती नदी आपकी अरब सागर की नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए ऑप्शन में जैसे दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग गलत होने के चांस है, आपको याद कर देने हैं। हमारी राष्ट्रीय ध्वज में पहले तो तीन रंग है, सबको याद है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और एक अशोक चक्र है वो भी आपको याद है। अब देखिए आपको अब ध्यान क्या रखना है, इन रंगों का जो है वो क्या प्रतीक है या फिर क्या प्रतिनिधित्व करते हैं ये वाला ध्यान रखना है। पहले केसरिया रंग आपको ध्यान रखना है, केसरिया किसका? तो साहस और बलिदान का। तो साहस और बलिदान किस ऑप्शन में दे रखे हैं? साहस व बलिदान का प्रतीक है बलिदान, ये आपको केसरिया वाले में ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए दूसरा आपके रंग होता है सफेद रंग, उसका ध्यान रखें सच्चाई शांति और पवित्रता, पूछा जा सकता है ऑप्शन में सच्चाई शांति और पवित्रता। और तीसरा है हरा रंग, वो है संपन्नता, यानी कि आपकी संपन्न है, किसी से पूर्ण है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। साहस और बलिदान, तो देखिए शक्ति और साहस दे रखा है, उर्वरता ये विकास नहीं होगा, शक्ति और सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, साहस और विकास यही होना चाहिए। साहस और बलिदान यानी कि स्ट्रेंथ और सोर्स, या इस प्रकार से दे रखा है कॉरेज यानी कि साहस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर रहेगा, बलिदान और साहस का प्रतीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, श्री भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। अब देखिए नए नए गृह मंत्री बने होंगे तब क्वेश्चन आया होगा, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो अब देखिए सारों के आपको ध्यान होना चाहिए, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है ना, नितिन ये आपके नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री याद है ना, और अमित शाह उस टाइम का आंसर है और अभी का भी आंसर है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और अब आपसे एक और क्वेश्चन है, एस जयशंकर, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है और क्या थे, यानी कि उस टाइम क्या थे, अब क्या है, क्या कोई परिवर्तन हुआ है क्या, इस प्रकार से आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन कि कमांडोर भारतीय में एक रैंक है। अब देखिए इससे संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं, चर्चित क्वेश्चन है, आ सकते हैं। एक तो है किस सेना में है, यानी कि आर्मी में है, नेवी में है, या एयरफोर्स में है, किस में है? तो इसका आंसर होगा नेवी में, कमांडोर भारतीय नेवी में एक रैंक होती है। कैसी रैंक होती है? ऐसा क्वेश्चन आने पर वन स्टार रैंक होती है, वन स्टार रैंक होती है इंडियन नेवी में कमांडोर, तो ये आपको ध्यान रखना है, नेवी का एक पार्ट है और वन स्टार रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरती है, कौन सा देश है जिसके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर है आपके इंडोनेशिया देश के ऊपर से गुजरती है, थाईलैंड और के अंदर से गुजरती है, और कहां कहां से गुजरती है? तो 13 देशों में से गुजरती है भूमध्य रेखा, 13 देश, 3 आपकी महाद्वीप और 3 जल निकायों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, मानव की में सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है। अब देखिए छोटी और बड़ी दो बातें ध्यान रख लीजिए, बड़ी हड्डी है आपकी फीमर, और कहाँ होती है? जांग में होती है, जांग आपकी, यहाँ आपकी फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, और कहाँ होती है? मनुष्य की कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, कान में, तो ईयर आपका आंसर होगा, सी वाला आंसर है, मनुष्य के कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरल साइंस में भी आ सकता है, जनरल अवेयरनेस में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके, आईपीएल 2019 का विजेता टीम कौन सा है? ये आपको उस टाइम 2019 का पूछा गया है, अब आपसे नई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। MI यहाँ आंसर है मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस जो है आपके 2019 आईपीएल की विजेता थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव
लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, और ये DRDO एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम में आ चुका है, 10वीं बेस पर वैकेंसी है। और ITI बेस पर जो भी एग्जाम होते हैं उनमें नॉन टेक पार्ट 10वीं लेवल का ही रखा जाता है या 10वीं के एग्जाम के लेवल का रखा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन दोनों जगह आ चुका है और 35 वर्ष की आयु होती है। ये आपके DRDO टेक्नीशियन के एग्जाम में आ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु और प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन यही था आपके 50 नंबर क्वेश्चन, यानी कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद कल हम अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में करेंगे मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्रेंड सर्किल में अब आप शेयर करें, क्योंकि आपका काम है अच्छा रिस्पांस दिलवाना ताकि रेगुलर क्लासेज होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।